मौसम विभाग ने हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का अनुमान जताया है। न्यूज 18 के चमन पलानिया की रिपोर्ट है कि अगले दो दिन हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। बारिश के साथ तेज आंधी भी चलने का अनुमान जताया गया। आशंका है कि इस दौरान 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून को हल्की बारिश होने का अनुमान है, जबकि 16 जून को ज्यादातर जगहों पर भारी बारिश होगी और इस दौरान कई जगहों पर 70 से 120 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी, जो मुसीबत की वजह भी बन सकती है। दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 131 नए मामले सामने आए। 22 फरवरी के बाद यह पहला मौका रहा जब इतने कम मामले आए। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच में सुप्रीम कोर्ट के दखल का विरोध किया। राजस्थान के अजमेर में मौजूद आना सागर झील में 200 और 500 रुपए के नोट मिलने की खबर मिलने के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। नोटों की तलाश में कई लोग इस झील में कूद गए। तैर के निकाल रहे थे, कूद रहे थे और आ रहे थे, किसको फोन कर रहे थे, पैसे निकालो, आया ऐसे कुछ कह रहे थे लोग। इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, वहां कुछ पुलिस वाले पहुंचे और लोगों को वहां से भगाया। यूरो कप में इंग्लैंड की फुटबॉल टीम ने क्रोएशिया को 1-0 से हरा दिया। इसी के साथ वो अपने ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर पहुंच गई। मुंबई के झुग्गी बस्ती वाले इलाके धारावी में 24 घंटों में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। जनवरी के बाद यह पहला मौका रहा जब वहां किसी की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। पशुपति कुमार पारस को लोकसभा में एलजेपी संसदीय दल का नेता चुने जाने का असर पटना में भी दिखाई दिया। वहां पार्टी दफ्तर के बाहर बोर्ड पर पशुपति कुमार पारस को एलजेपी का अध्यक्ष लिख दिया गया। में एक रिहायशी इलाके में बिछी गैस की एक पाइपलाइन में ऐसा धमाका हुआ कि 25 लोगों की मौत हो गई और 130 से ज्यादा अस्पताल पहुंच गए। विस्फोट सुबह 6:30 बजे के करीब हुआ, इसलिए कई लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला और वो नींद में ही मौत की नींद सो गए, क्योंकि धमाके की वजह से पूरा इलाका तबाह नजर आया। जो 2 मंजिला इमारत हादसे का शिकार हुई, उसका मलबा चारों तरफ जमीन पर बिखरा दिखा। उसकी छत तो पूरी की पूरी उड़ ही गई और जिन ईंटों को जोड़ जोड़ कर इमारत खड़ी की गई थी, वो ईंटें अलग थलग पड़ी दिखी। हादसे के वक्त इलाके में सब्जी मंडी लगी थी, लेकिन विस्फोट के बाद न दुकानदार बचे न खरीदार और हरी भरी सब्जियां यूं ही सड़ती नजर आईं। हालांकि ये तो हादसे के तांडव की महज एक तस्वीर थी। रोंगटे खड़े तब हुए जब आसमान से वीडियो बनाया गया। इतना भयानक ब्लास्ट कि 2000 बचाव कर्मियों को मोर्चे पर लगाया गया। वो मलबे में दबे लोगों की तलाश में कमर तोड़ मेहनत करते नजर आए। उनकी कोशिश रंग भी लाई और उन्होंने कई लोगों को जिंदा बाहर निकाल लिया। हरियाणा के करनाल में 2 चोर दिन दहाड़े एक बाइक चुराकर फरार हो गए। जरनैल कॉलोनी में हुई इस चोरी की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। इन तस्वीरों में 2 लड़के एक गली में खड़ी बाइक को चुराने के लिए घूमते हुए दिखाई दिए। एक अपने मोबाइल पर बिजी होने की एक्टिंग करता हुआ आने जाने वाले लोगों पर नजर रखता रहा, जबकि दूसरे ने बाइक का लॉक तोड़कर उसे स्टार्ट कर दिया और कुछ ही सेकंडों में अपने साथी को बाइक में बिठाकर वहां से फरार हो गया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद इलाके के लोगों ने पुलिस से शिकायत की। चोरी होने का भी डर ज्यादा है और हमारी कॉलोनी इतनी जल्दी है कि हमें ऐसा लगा नहीं था कभी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन दिन दिहाड़े ऐसे ले गए तो बहुत डरने वाली बात तो है ही। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां पर चुनावी रंजिश में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लाठियों से हमला करते हुए दिखाई दिए। मारपीट की खबर लगते ही एक बुजुर्ग भी दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे और इस विवाद में कूद पड़े। इस झगड़े में एक लड़की भी दूसरे पक्ष के लोगों से लाठी छीनने की कोशिश करती नजर आई, मगर मारपीट कर रहे लोगों ने उस लड़की को भी नहीं बख्शा। कुछ देर बाद जब झगड़ा शांत हुआ तो वहां घायलों के घरों में चीख पुकार की आवाज सुनाई देने लगी। मौके पर पहुंची पुलिस बेसुध हो चुके एक आदमी को अपने साथ ले जाती नजर आई। हारा हुआ प्रधान अदित्य प्रधान सच के बीच में कुछ आस होनी हुई, बाद में लड़ाई हुई। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों की शिकायत पर 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। अमेरिका के न्यूयॉर्क से हैरान करने वाले